झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एक फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अभी से ही तमाम सेक्टर बजट को लेकर अपनी उम्मीदें वित्त मंत्री को भेज रहे हैं। बजट 2022 के लिए एमएसएमई सेक्टर की भी कई मांगे हैं। एमएसएमई सेक्टर सरकार से बजट में जीएसटी को युक्ति संगत बनाने के साथ टैक्स के बोझ को कम करने की मांग कर रहा है। हर साल बजट को लेकर कारोबारियों में उत्सुकता रहती है और इस बार हालात पहले से अलग है। देश दो बार कोविड की लहर से उभर चुका है और नया वायरस भी दस्तक देने लगा है। इससे एमएसएमई सेक्टर पर सबसे अधिक असर पड़ा है। ये सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत में एमएसएमई सेक्टर को कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर माना जाता है और एमएसएमई सेक्टर से करीब करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलता है। एमएसएमई सेक्टर का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 48% का योगदान रहता है। देश में 170 एमएसएमई एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एसोसिएशन ऑफ एमएसएमई यानी कि एआईसीए के सदस्य राममूर्ति ने कहा है कि छोटे कारोबारियों के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार होना चाहिए और हर पहलू पर नियमों का पालन करना बोझ नहीं बनना चाहिए। जीएसटी, लोन, लाइसेंसिंग या ऑडिट को कम किया जाना चाहिए और कॉम्प्लायंस कम होने चाहिए। राममूर्ति का कहना है कि पहले से ही कच्चे माल की कीमतें बहुत अधिक हो चुकी हैं और नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में सरकार को जीएसटी की दरों में सुधार लाना होगा और इसे तर्कसंगत बनाना होगा ताकि छोटे कारोबारियों की मदद हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 18% की दर से घटाकर 12% किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एक समान है, चाहे वे इसे 50 लाख रुपए की कंपनी से खरीदे या 500 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी से। अब सरकार हमें छोटों से खरीदने के लिए कह रही है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।